के रखा, आप क्यों चाहते हैं? सर मैंने ढाई घंटा नहीं बिठाया, वो बैठे, मैंने नहीं बिठाया। अच्छा वन सेकंड, पर शक्तिमान कौन बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, एक्टर नहीं, एक्टर प्रोड्यूसर की कास्टिंग नहीं करता। मेरे ऑफिस में आ गया, बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इज नॉट अलाउड, बट आई रिस्पेक्ट इट बहुत, बहुत आज भी उसके अंदर बहुत जील है, वो बनना चाहता है, बट आप बोलो वो बड़ा एक्टर है साहब, शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस चाहिए। क्या तुम कभी अपनी मम्मी के साथ में सुपरमार्केट या फिर मेले में गए हो जहाँ पे तुमको कोई ऐसी चीज पसंद आ गई हो जिसके बारे में तुम बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो अपनी मम्मी से, लकीली तुमको वो चीज मिल भी जाती है, तुम्हारा डोपामिन लेवल एकदम से हाई जाता है और तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो उस चीज को लेके। पहले दिन तुम उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हो, उसको डस्ट फ्री रखते हो, उसको कोई स्क्रैच नहीं आने देते हो। दूसरे दिन उस चीज की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है पहले के मुकाबले, लेकिन फिर भी उसको हम डस्ट फ्री रखने की ट्राई करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग डे आफ्टर डे। वो चीज का ऑपरेशन से लेके भंगार तक का सफर तय होता है जिसके बाद में शायद आज हम लोग उसको एज ए मेमोरी याद करते होंगे। क्या तुम आज फिर से उस टॉय या फिर जो भी वो चीज थी उसको दोबारा से यूज करना चाहोगे या फिर उसके साथ में प्ले करना चाहोगे? वेल, तुम्हारे पास उससे 10-20 गुना अच्छे ऑप्शन और एडवांस फीचर के साथ में वो चीज आज अवेलेबल होगी। बहुत सारे लोग उसी चीज को यूज करना चाहेंगे, बट यकीन मानो कि वो जो पहले वाला साइकिल था वो फिर से रिपीट होगा इस बार, और फिर से वो धूल खाने लगेगी चीज। मुद्दे की बात पे आते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो मुकेश खन्ना रणवीर सिंह के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अब ऐसा वो कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि जो प्रोडक्शन कंपनी है शक्तिमान पे मूवी बना रही थी, उनका और मुकेश खन्ना का झगड़ा हो गया है। प्रोडक्शन कंपनी का मानना ये था कि अगर हम लोग शक्तिमान पे मूवी बना रहे हैं तो हमको कोई बड़ा चेहरा या फिर बड़ा एक्टर चाहिए होगा उस मूवी के लिए, लेकिन मुकेश खन्ना इनसे सहमत नहीं थे। उनका मानना कुछ अलग था, उनका मानना होगा कि शायद मुझे कास्ट नहीं किया, ऐसा ही कुछ होगा, और इसकी वजह से ये झगड़ा हुआ है। जिसके बाद में उन्होंने अपने YouTube वीडियो, अपने इंटरव्यूज में ये बात क्लियर की है कि रणवीर सिंह जो है वो शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए वर्थ इट नहीं है, शक्तिमान वापिस आ रहा है। जी हाँ गाइज, मुकेश खन्ना ने इंटरव्यू में ये बात कंफर्म की है कि शक्तिमान को वो YouTube पे ही वापिस से लॉन्च करेंगे, इसके एपिसोड YouTube पे एयर होंगे। पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई बजट कहाँ से आएगा? बड़े क्रिएटर लाइक कैरी मिनाटी, भुवन बाम, R2H, हर्ष बेनीवाल, इनके पास में भी बजट की लिमिटेशंस है। सबको पता है कि YouTube इंडिया में इतना पे ही नहीं करता है जितना फॉरेन में करता है, इस वजह से तुमको गैम्बलिंग प्रमोट करनी पड़ेगी। मान लो कि चलो तुमने गैम्बलिंग भी प्रमोट कर ली, लेकिन ये बजट भी इनफ नहीं होगा। इस बजट के साथ में तुम रोमांस, हॉरर या फिर कॉमेडी जॉनर में जा सकते हो, बट एक सुपर हीरो के लिए तुमको फैंटेसी एंड साईफाई जॉनरा में उतरना पड़ेगा जहां पे VFX में तुमको पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। तो सवाल यही है कि ये लोग ये चीजें करेंगे कैसे, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा इनका। इनफैक्ट भुवन बाम ने भी ज्यादा क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन के लिए एक OTT प्लेटफॉर्म का सहारा लिया ताकि उनके पास बजट आए और जैसा वो सोचते हैं वैसा हो पाए। राइटर जब लिखेगा तब ऐसा तो नहीं लिख सकता ना कि भाई यहाँ पे प्लेन क्रैश नहीं करवा सकते, बजट नहीं है भाई इस पार्ट को हटा दो। दूसरा कि ये जो भी शक्तिमान क्रिएट करेंगे वो आज के हिसाब से इतना रिलेटेबल होगा ही नहीं। एज ए शक्तिमान फैन मैं इसका पहला एपिसोड देखूंगा, दूसरा एपिसोड देखूंगा, लेकिन मुझे बहुत हद तक पता है कि VFX और इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा प्रॉमिसिंग होगी ही नहीं, क्योंकि कम बजट होने की वजह से ना तो राइटर को अच्छा पे मिला होगा, ना VFX आर्टिस्ट को, ना एडिटर को। तो मिला जुला के कुछ ऐसी स्टोरी होगी कि जिसको हम लोग हाँ एज ए शक्तिमान फैन पहला दूसरा एपिसोड देख लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? मेरे पास में आज इतने ऑप्शन अवेलेबल है एक क्लिक में, मार्वल, DC, ड्यून, स्टार वॉर जैसे यूनिवर्स, रेडी प्लेयर वन, पैसिफिक रिम, एवटार जैसे मूवीज एंड शो देख सकता हूँ जिसके अंदर अच्छी स्टोरी लाइन है, अच्छा VFX है। तो उन सारी चीजों को छोड़ के मैं एक शक्तिमान क्यों देखूंगा जिसके अंदर एक स्टोरी लाइन भी ढंग की नहीं है, ना ही VFX ढंग का है। आई रिस्पेक्ट शक्तिमान, मैं उसको किसी के साथ में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ जबरदस्ती, बट ये चीज अगर नेटफ्लिक्स, प्राइम या फिर डिज्नी के अंडर बनती तो मैं एक्साइटेड होता है इस चीज को लेके बहुत ज्यादा। लेकिन YouTube पे मेरे को पता है कि ये लोग एक हद तक एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके बाद में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, और यकीन मानो अगर बाहर कहीं से इनको सपोर्ट नहीं मिल रही है तो ये लोग YouTube के ही पैसों से इतना ज्यादा बड़ा कुछ अच्छा काम कर नहीं पाएंगे। और इस चीज को लेके मैं इतना श्योर हूँ कि आप लोग जब इसके एपिसोड्स आएंगे तब मुझे कमेंट करना। और हाँ, शक्तिमान पे ये एपिसोड, शोज, मूवीज जो भी बना रहे हैं वो चल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं चले तो उनपे मीम जरूर चलने वाले हैं।
और स्टार्टिंग में मैंने पता है आपको खिलौने वाली स्टोरी सुनाई थी, शक्तिमान के साथ में यही हालत होने वाली है अब। अगर आपके ओपिनियन मेरे से डिफरेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट मी नो। वीडियो कैसा लगा दुख दुख लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एचएस एक्सप्लोर।